नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये पाम हम लोगों ने पहले एनालिसिस कर चुके थे और ये पाम है एक साइंटिस्ट का जो पीएचडी अपना कर चुके थे। मतलब ये एक ऐसे पाम है जो हम लोग जहाँ से हम लोग पीएचडी का रेफरेंस ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्यों अचानक से आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक और एक पाम की एनालिसिस करेंगे जहाँ पर हम लोगों को पीएचडी करने की काबिलियत को देखना है। पीएचडी होती क्या है, इसके लिए मैंने पहले भी एनालिसिस किया था और एक नई पाम आ गई है तो उसका एनालिसिस और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और एक रेफरेंस आ गई है उसके हम लोग जाएंगे बाद में। तो मैंने गूगल में सर्च किया तो पहले के पीएचडी का मीनिंग बताओ मुझे, तो गूगल ने जो मुझे बताया कि पीएचडी होती है ये एक ऐसे अवार्ड होती है जो किसी उस इंसान को दिया जाता है जो एडवांस लेवल पर किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं। मतलब ये रिसर्च की बात है। पीएचडी एक बहुत बड़ी डिग्री होती है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जुड़ा रहता है। ऐसे लोग अपने के नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है या फिर डिग्री होती है पीएचडी। तो ये सारा सब जब बात आ रही है तो इसके साथ साथ क्या आएगी, ये ट्रेडिशनल एडुकेशन नहीं है। पहली बात देखिए, ये पीएचडी वाला पाम ही है और यहाँ पे जुपिटर माउंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं दिखेगा। जब भी एडुकेशन की बात आती है हम लोग जुपिटर की तरफ देखते हैं, लेकिन ये उस तरह का ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं है। इसके लिए जुपिटर का महत्व इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहती है। तो किसकी महत्व आती है, किसकी आती है, आती है मरकरी की। क्यों मरकरी की आती है, क्योंकि ये रिसर्च की बात है, एनालिसिस की बात है। जहाँ पे भी रिसर्च और एनालिसिस आएगी वहाँ पे मरकरी आ जाएगी। तो हम लोग देखेंगे तो इनकी मरकरी देखिए कितनी ज़्यादा डेवलप है। सिर्फ डेवलप ही नहीं, मरकरी की झुकाव अगर देखेंगे तो यहाँ से कम है और सन की तरफ ज़्यादा है। क्यों सन की तरफ ज़्यादा है और पीछे की तरफ कम है, क्योंकि ये मरकरी सन की तरफ जा रही है, जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने काम के द्वारा रिस्पेक्ट पाते हैं, अपने जो काम है, अपने जो माइंड है, अपने जो रिसर्च है, अपने जो एनालिसिस है, उसके जरिए अगर ये लोग काम करते हैं तो ऐसे लोगों को उसमें रिस्पेक्ट और सक्सेस दोनों ही मिलती है। क्योंकि पीएचडी डिग्री जो होती है वो सेल्फ में एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की जगह बन जाती है। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं तो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की जगह पहुंच जाती है। सिमिलर ऐसा ही पाम था मेरा, मैं जब पहले जहां पे काम करता था वहां पे एक हम लोगों की मैनेजर थी जो पीएचडी कर रहे थे आईटी में, और उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनके पाम में भी इसी तरह का सिचुएशन था। बहुत ज़्यादा कुछ भी लाइन नहीं था, ना ही कोई साइन था, दो चार लाइन थी, और उनका भी पाम इसी तरह का पैटर्न में था। पहले मैं समझा नहीं क्योंकि एक ही पाम थी रेफरेंस, बाद में ये पाम आई, फिर मुझे पता चली कि इस चीज़ से होती है पीएचडी। तो हम लोग देख रहे हैं कि मरकरी के माउंट की सन की तरफ झुकाव है, ये पीएचडी को रिस्पेक्टेबल पोजीशन में दिलाती है। आप जो काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आपको दे देती है और आपको वहाँ से रिस्पेक्ट और बहुत बड़ी डिग्री भी मिलती है। दूसरी बात, हम लोगों को क्या देखनी चाहिए, क्योंकि एक लंबी माइल लाइन होनी चाहिए। लंबी माइल लाइन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी आपको एक दो महीने के काम में नहीं आती है। ये सालों के एनालिसिस, सालों के रिसर्च के बाद आप लोगों को मिलती है। क्योंकि दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसके नाम के अगर डॉक्टर हो, और हर कोई रिसर्च कर रहा है, और ये करते करते जो लोग बहुत दिनों तक अपने काम में टिका रह पाते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रगल कर पाते हैं, उन लोगों की ही ये डिग्री मिलती है। और लंबी दौर के लिए, लंबी यात्रा के लिए, लंबी काम के लिए हम लोगों को माइन लाइन भी लंबी होनी चाहिए, जो ये पाम में हम लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रही है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या चाहिए, तीसरी बात चाहिए कि आपके माइन लाइन का झुकाव थोड़ा मून माउंट के ऊपर हो। क्यों मून माउंट के ऊपर होना चाहिए, मून माउंट के ऊपर इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपकी जो माइन लाइन अगर मून की तरफ जाए तो आपके इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। आपकी जो सोच है वो उसके साथ इमेजिनेशन का एक कनेक्शन जुड़ता है, आपका इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है। तो इमेजिनेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप रिसर्च करेंगे, नया कुछ निकालेंगे, एडवांस रिसर्च करेंगे, तो उसमें आपके इमेजिनेशन पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको पहले ही उसे इमेजिन करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको उस तरह से रिसर्च में जाना पड़ेगा। तीसरी बात, रिसर्च अगर इमेजिनेशन पावर की बात आती है तो आपको मून माउंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। मून माउंट आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजिनेशन आप में आएगी। माइंड लाइन जाएगी तो इमेजिनेशन पावर आएगी, लेकिन क्वालिटी क्या होगी उसकी, कितनी ज़्यादा, कितनी बेहतरीन क्वालिटी की वो इमेजिनेशन होगी, वो मून माउंट के डेवलप के ऊपर ही
आप लोग हम लोग पता कर पाएंगे कि मून माउंट अगर बहुत ज़्यादा डेवलप है, पावरफुल है, तो इमेजिनेशन पावर भी उतनी बेहतर होगी। तो इनके मून माउंट देखिए कितनी ज़्यादा डेवलप है, कितनी ज़्यादा हाईली डेवलप मून माउंट है, और इसके ही कारण ये पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी ये कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग मिल गई है हम लोगों को, देखिए और कुछ भी साइन आप लोगों को नहीं मिलेगा, हाथी घोड़ा फिश वगैरह कुछ भी साइन नहीं मिलेगा आप लोगों को, यहाँ वहाँ से कुछ भी साइन नहीं है, बिल्कुल क्लियर पाम है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पाम है, दो चार लाइन है बस, ये एक प्रैक्टिकल पीएचडी वाला पाम है। तो अभी हम लोग चलते हैं, आज सुबह ही हमने पाम एनालिसिस किया था इस लेडी का, और उनका एक सवाल था कि मैं पीएचडी कर पाऊँगा कि नहीं, तो उसी के लिए मैंने ये पाम अलग से रखा था, क्योंकि वहाँ पे अगर ये एनालिसिस डालता तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती और बोरिंग हो जाती। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो उसी में हम लोग ढूंढेंगे, उसी की तरह ढूंढेंगे मर्करी माउंट की कंडीशन कैसी है। मर्करी माउंट बहुत ज़्यादा डेवलप है, और उसी तरह से मर्करी माउंट यहाँ पे दबी हुई है और इस तरह से फैला हुआ होके सन की तरफ जा रही है। साइन की ओर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये छोटी मोटी जो फिश वगैरह साइन होती है ये उतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, हाँ इवेंट को दिखाती है कब हो सकती है, अगर कोई साइन मिल जाए तो इवेंट की क्लैरिटी, एज की क्लैरिटी आ जाती है, लेकिन मर्करी माउंट बेहतर है, डेवलप है और सन की तरफ जा रही है, तो उसी लेवल के काम ये कर पाएंगे, एडवांस रिसर्च कर पाएंगे, और उसके ज़रिए इनका नाम भी अच्छा खासा फेम भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगा, डिग्री भी हाई लेवल की डिग्री ज़रूर मिल पाएगी। दूसरी हम लोग माइन लाइन देखेंगे लंबी है कि नहीं, हाँ माइन लाइन काफ़ी लंबी है, तो ये भी उन इंसानों में है कि बहुत टाइम तक एक काम में टिक पाएंगे और बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, बहुत लंबे टाइम तक किसी काम में रहने के काबिलियत रखती है माइन लाइन लंबी अगर हो। क्या माइन लाइन मून के ऊपर ढल रही है, बिल्कुल ढल रही है हम लोग देख रहे हैं, तो माइन लाइन के साथ मून के ऊपर ढुलती हुई ये कनेक्शन दिखाती है कि हाँ इनमें इमेजिनेशन पावर भी है। अभी इमेजिनेशन को क्वालिटी मून माउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मून माउंट कैसी डेवलप है इनके, अगर हम लोग देखें मून माउंट को बहुत ही ज़्यादा करीब से, मून माउंट इनके काफ़ी डेवलप है मून माउंट, तो इमेजिनेशन भी जो रहेगी वो भी अच्छी खासी पावरफुल इमेजिनेशन क्वालिटी इनमें है। अभी हम लोग देखते हैं और ज़्यादा गहराई से देखने के लिए मून माउंट को, हम इनकी एक बार फुल पाम देख लेते हैं, वहाँ पे हम लोग क्लियर इस यहाँ से देख लेते हैं कि मून माउंट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग देखेंगे मून माउंट कितनी ज़्यादा पावरफुल और यहाँ से वेनस माउंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो देखेंगे कि मून माउंट इतनी ज़्यादा डेवलप है कि ये नीचे से वेनस माउंट के नीचे से शुरू हो रही है, तो ये दिखाती है कि मून माउंट काफ़ी डेवलप है, जो वेनस माउंट के नीचे से भी शुरू हो रही है ऐसे मून माउंट काफ़ी डेवलप होते हैं, तो मून माउंट भी इनके काफ़ी डेवलप है, पावरफुल मून माउंट है, बस मून माउंट में क्रॉस है इसके कारण इनके वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये पानी तैरना नहीं जानते हैं तो पानी से दूर रहना पड़ेगा वरना पानी से इनका खतरा हो सकती है, बस यही है मून माउंट में अगर क्रॉस हो, लेकिन ये मून माउंट काफ़ी डेवलप है जो इनको बहुत ही अच्छी रिजल्ट ज़रूर दे पाएगी। लेकिन इनके पाम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, करीब करीब 40 तक इनके माइन लाइन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, चेन नुआ फॉर्मेशन है, तो 40 तक तो शायद आपसे ये जो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आप ये पीएचडी का जो है वो कंप्लीट शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 37 आपकी एज है और 40 तक माइन लाइन में आपकी डिस्टर्ब है, लेकिन 40 के बाद आपकी माइन लाइन बिल्कुल क्लियर दिख रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये सीधी जा रही है। तीसरी बात 41 के करीब हम लोग देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन बन रही है, वो भी 8 लेग के अगर स्टार बनती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनती है। मैंने पहले ही भी इनके पाम में एनालिसिस करके बताया था कि उस टाइम पीरियड में आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और पीएचडी भी आपकी एक कैरियर ही है और उससे ज़्यादा बड़ी तो सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है, अगर आप कैरियर में सक्सेस मिलना चाहते हैं, आपको अगर कैरियर में सक्सेस चाहते हैं तो पीएचडी से बड़ा सक्सेस तो आपका कोई नहीं होगा। तो 41 के करीब आपके ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बदलाव आ रही है, माइन लाइन ठीक हो रही है, फेथ लाइन में भी स्टार आ रही है, तो उस एज पीरियड में आके आपकी जो पीएचडी है वो कंप्लीट हो सकती है, उस टाइम पीरियड में आपको उसका डिग्री भी मिलने के चांसेस पूरा हम लोगों को इस पाम में दिख रही है। तो ये रही इस पाम की जो पीएचडी वाला सवाल था उसका जवाब, और भी एडिशनली कुछ भी साइन है, और कुछ साइन है देखिए मर्करी माउंट मैं कहता हूँ कि माइन लाइन से अगर कोई ब्रांच निकल के जाए तो
और मार्केट की तरफ जाए तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। क्यों कहता हूँ, क्योंकि मार्केट की तरफ जाती है, मार्केट को बिजनेस दिखाती है, इसलिए वो बिजनेस होती है। लेकिन यही मार्केट एनालिसिस भी दिखाती है, रिसर्च भी दिखाती है। तो ये जो माइंड लाइन से ब्रांच निकल के जा रही है, इनके लिए ये रिजल्ट देगी कि ये बेहतरीन रिसर्च भी कर पाएंगे, एनालिसिस भी कर पाएंगे। उसकी जो कंडीशन है, ये लाइन एक ही तरह का लाइन होगी इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए उसके नीड के हिसाब से वो रिजल्ट देती है। इनका नीड है बिजनेस नहीं, इनका नीड है एनालिसिस और रिसर्च, तो उसमें ये मदद करेगी और ये इनको सक्सेस की ओर ले जाएगी। तो ये सारे कंडीशन देख के मैं कंफर्म हो रहा हूँ कि ये ज़रूर पीएचडी कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी लेट होगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी भी माइंड लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है। और अच्छी इंडिकेशन 40 के बाद ही माइंड लाइन से आ रही है, और 40-41 में तो फेथ लाइन के करीब एक बहुत अच्छी, बहुत ही हाई क्वालिटी स्टार आ रही है, जो दिखाती है करियर में एक सडन सक्सेस जो इनको पीएचडी के डिग्री की तौर से मिल सकती है। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए, आज के लिए रखते हैं, शुक्रिया।